लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे कपड़ों में क्या कर रही है तू नहीं समझेगी होली है ना इस घर की छोटी बहू मतलब देव की पत्नी को पहनने थे ना सो मैंने पहन लिए देख विशाखा ये यज्ञ मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैं तुझे इसमें कोई अड़चन नहीं डालने दूंगी थोड़ी देर में राधिका देव के पास जाकर बैठ जाएगी बुरा लगना शुरू हो गया या फिर थोड़ी देर बाद लगना शुरू होगा मैं लोगों को खुश देखकर खुश होने वालों में से हूँ मृणालिनी जी मुझे शक्ति दो काना मेरी मदद करो ये अनर्थ होने से रोक दो विशाखा अपने गंदे इरादों में सफल नहीं होनी चाहिए काना गौ माता वो राधिका वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा ये आशीर्वाद तो मुझे चाहिए ही है विशाखा तुझे गौ माता कभी आशीर्वाद नहीं देंगी क्योंकि वो जानती है विशाखा कि तुम्हारे मन में सिर्फ पाप और अधर्म है पाप अपनी बहन के पति पर झूठा अधिकार जताने का अधर्म अपनी बहन के परिवार को छल से अपनाने का मैं नहीं चाहती विशाखा कि तुम्हें वहां सामने देखकर मेरा परिवार बदनाम हो इसलिए तुमसे विनती कर रही हूं ये थाल मुझे दे दो और तुम यहीं से चली जाओ बाहर यज्ञ में मेरा इंतजार हो रहा है विशाखा अब तक तो गौ पूजा हो भी गई होगी स्वामी जी एक बार जाकर देखती हूँ मैं नहीं नहीं बहन जी आप बच जाइए ये पूजा उन्हें एकांत में करनी है वहां किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है विशाखा राधिका हट जाओ मेरे रास्ते से विशाखा मेरी बात समझने की कोशिश कर मेरे रास्ते छोड़ दो राधिका मेरे रास्ते छोड़ दो मैं तुझे ये अनर्थ नहीं करने दूंगी मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जा नहीं विशाखा तुझे ये नर्स नहीं करने दूंगी राधिका हट जा मैंने कहा विशाखा मैं तुझसे विनती करती हूँ मैं तेरे पैर पड़ती हूँ विशाखा मत कर ऐसा नहीं विशाखा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी विशाखा जब तक तू होश में आएगी मेरी पूजा निपट चुकी होगी स्वामी जी मुझे राज पुरोहिताइन घोषित कर चुके होंगे और उसके बाद खुलेगा ये घूंघट
भौ माता, मुझे जाने दीजिए। अभी तो मैंने आपकी पूजा की है, आपको प्रसाद खिलाया है, मुझे जाने दीजिए। गौ माता, मुझे जाने दीजिए। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? Damn it, it's really hot here. पर ये धुआं बाहर। अब तक तो गौ पूजा हो जानी चाहिए थी। विशाखा भी बिना बात देरी कर रही है। अरे देव बाबू के वाम अंग बैठ के पूजा करने का समय तो अब आयो है। वैशाली, जाओ जग देखो। स्वामी जी, मैं राजपुरोहित आइन को लेकर आती हूँ। जी हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप गौशाला में प्रवेश ना करें। जी। छोटी बहू, पूजा हो गई। हे भगवान, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? मुझे सबको बता देना चाहिए जाकर। पूजा हो गई अच्छे से छोटी बहू? बड़ी देर लगा दी तुमने, मैं तो घबराई गई थी। चलो बेटा जल्दी, मुहूर्त निकल जाएगा नहीं तो। हाँ, आ। लल्ला यहाँ कैसन पहुंच गयो? राधे राधे। राधे राधे माँ जी। हमें तो लगा था कि आप आ ही नहीं पाएंगे। कान्हा की यही इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं। जिन यजमान के यहाँ जाप करने जाना था, वहां पहुंचकर जब गृह योग देखा तो ज्ञात हुआ कि योग जो है मध्य रात्रि का है, तो मुझे यहाँ आकर यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो गया। राधिका भी? चिंता मत कीजिए, छोटी बहू यही है, गौशाला गई है गौ पूजा करने के लिए, बस आती ही होगी। आइए बैठिए। किसे ढूंढ रहा है लल्ला? विशाखा वहां है जहां उसको होना चाहिए। इन आहुतियों के बाद मोर विशाखा सक्रे समाज के सामने राजपुरोहिताइन और देव बाबू की पत्नी घोषित हो जाएगी। इरातिका और पुरोहित परिवार की हार होगी और मोर विशाखा की जीत। राजपुरोहित जी, आपसे निवेदन था, राजपुरोहिताइन जी आ जाती तो अच्छा होता, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। लीजिए, आ गई छोटी बहू। राधे राधे शास्त्री जी। माता की पूजा के बाद 21 सिद्ध मंत्रों की आहुति होगी, जिसमें राजपुरोहित जी और राजपुरोहिताइन जी एक साथ बैठकर हवन करेंगे। हवन से पहले पूजित गौ माँ को पूर्व दिशा की ओर इन्हें मुक्त करना होगा।
अगर किसी को राजपुरोहित जी के सत्व पर किसी प्रकार का संदेह हो, आपत्ति हो, तो हवन विधि पूर्ण होने से पहले गौ माता को रोककर अपना निवेदन कह सकते हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है राजपुरोहित जी से किसी को उपालंब नहीं होगा। मैं पूजित गौ माता को लेकर आता। हवन शुरू किया जाए। ओम श्री प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम श्रीमत पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर महेंद्रो नलचंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुणाक प्रेताद वाद्याग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरो सूर्गज चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधर लांगुलधर कुर्वन्तु ओम मंगलम। राजपुरोहित जी, राजपुरोहितायन जी, हाथ में पुष्प लीजिए और संकल्प कीजिए। राजपुरोहितायन जी, आप भी बैठ जाइए। राजपुरोहितायन जी, आप राजपुरोहित जी का दाहिना हाथ पकड़िए। अब आप मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ विधि में आहुति दीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। स्वामी जी, स्वामी जी, गाय को किसी ने रोक लिया है। कौन हो तुम और इस तरीके से पूजा की गाय को क्यों रोका? कोई भी इस पूजित गाय का रास्ता क्यों रोकेगा स्वामी जी? मैं फरियाद लेकर आई हूँ। इस यज्ञ में अधर्म हुआ है। यहाँ सत्व की वृद्धि नहीं, सत्व का विनाश हुआ है। पुरोहित परिवार के धर्म और पवित्रता पर आंच आई है। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम और इस तरीके से राजपुरोहितायन के भेष में घूंघट काढ़ के क्यों आई? वही बता रही हूँ स्वामी जी, मैं राजपुरोहितायन की तरह इसलिए सजी हूँ क्योंकि राजपुरोहित के साथ मुझे होना चाहिए था। ये यज्ञ उनके साथ मुझे करना था। ये औरत जो कुछ भी कह रही है वो सच नहीं है। मैंने यज्ञ उसी के साथ किया है जिसके साथ मुझे करना चाहिए था। जो मेरे साथ खड़ी है वही मेरी पत्नी है।
हमारे परिवार की छोटी बहू है और आप सबकी राजपुरोहिता है। क्रोध न करें दामाद बाबू, यज्ञ तो संपन्न हो ही चुका है। आप घूंघट हटाकर सबको बता दीजिए कि आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हे ठाकुर जी, अंतिम आहुति तो हो जाने देते। ये क्या कर रहे हैं दामाद बाबू? पहले पूजा का नारियल तो चढ़ा दीजिए अग्नि में। नहीं अम्मा जी, इसने यज्ञ की गाय को रोका है और जब तक इसकी शंका का समाधान नहीं हो जाता, इस श्री फल की आहुति नहीं होगी। स्वामी जी, अब ये सबके सामने साबित हो चुका है कि मेरे साथ जो खड़ी है वो मेरी पत्नी। ये औरत गलत इल्जाम लगा रही है और मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा अभियोग निरर्थक साबित हो चुका है, इसलिए गाय को छोड़ दो, न्याय हो गया है। न्याय नहीं हुआ है स्वामी जी, राधिका इनकी पत्नी नहीं है, इनकी पत्नी मैं हूँ। राधिका राज पुरोहिताइन नहीं है, वो देव राज पुरोहित की पत्नी भी नहीं है। देव राज पुरोहित की असली पत्नी मैं, विशाखा। राज पुरोहित जी, ये सब क्या हो रहा? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ स्वामी जी, मेरी पत्नी राधिका ही है और मेरा इस लड़की से कोई संबंध नहीं है। मैं अपने पति की सहमति से और अपने परिवार की सहमति से इस गौमेद यज्ञ में बैठी हूँ। आपने सभी देवी देवताओं का, सप्त ऋषियों का और नवग्रहों का आवाहन किया है। स्वामी जी, इन सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और ये सब साक्षी हैं इस बात के कि मैं ही राजपुरोहिताई हूँ, इनकी पत्नी हूँ। और पुरोहित परिवार की छोटी बहू। ये सभी मानते हैं कि मैं। सबके मानने से क्या होता है राधिका? कानून तुम्हें इनकी पत्नी नहीं मानता है। तू देवराज पुरोहित की दूसरी पत्नी है और तेरी शादी तभी मान्य मानी जाएगी जब देव के साथ मेरा तलाक होगा, जो अब तक हुआ ही नहीं है। इसलिए देव की पत्नी मैं ही हूँ। शादी मन का मिलन होता है विशाखा। इसलिए मेरी पत्नी राधिका ही थी और राधिका ही है। देव बाबू का कथन पूर्णतः सत्य है स्वामी जी। इस औरत ने स्वेच्छा से स्वयं ही देव बाबू का परित्याग किया था। उसके पश्चात ही देव बाबू ने राज पुरोहित आचार संहिता के नियमानुसार एक अत्यंत कठिन तपस्या करके ही राधिका को अपनी जीवन संगनी के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार प्राप्त किया था। आज यदि ये अधर्मी स्त्री वापस लौटकर अपना अधिकार मांगे तो राज पुरोहित को क्या करना चाहिए?
इतनी दुविधा में क्यों है स्वामी जी? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस गोमेद यज्ञ में राज पुरोहित के वाम अंग पर राधिका को ही विराजमान होना था, और वो विराजमान थी। स्वामी जी, यज्ञ में जिन जिन देवी देवताओं का आवाहन किया गया था, उन सब का आशीर्वाद राधिका को ही प्राप्त हुआ है। मेरे मतानुसार देवी देवताओं का भी यही अनुरोध है, यही आज्ञा है कि यज्ञ की पूर्ण आहुति भी राधिका के हाथों ही संपन्न हो। पूजा के नारियल को अग्नि कुंड में डालकर यह यज्ञ संपन्न करना है। आइए। राजपुरोहित जी, ये चरणामृत लीजिए और ग्रहण करिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आचमन कर लीजिए जल को। राजपुरोहिताइन जी, आप भी लीजिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये नारियल को चढ़ाना। ओम सर्ववै सर्वगं स्वाहा। आपने जिस मनोरथ से ये यज्ञ करवाया है, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप पर सुख शांति और समृद्धि की वर्षा होगी। राजपुरोहित, आप अपने सब बड़ों और बुजुर्गों के चरण स्पर्श लेके उनका आशीर्वाद लें। शांतनु, इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी आप दोनों एक साथ हैं। वाकई में आप दोनों का कई जन्मों का नाता है। मेरी भगवान से यही दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। चलता हूं। राजपुरोहित जी, ईश्वर की असीम कृपा, प्रभु की अनुकंपा आपके परिवार पे सदा बनी रहे। उनकी कृपा से आज हवन की विधि बहुत ही अच्छी थी। चल, यज्ञ अच्छी तरह से हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ, रुकावटें तो काफी आईं, पर फिर भी सफल रहा। दादी माँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? ना बेटा, अभी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है पता है? हमारी छोटी बहू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ विशाखा का सामना किया और उसे उसकी जगह दिखा दी। हाँ। मैंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। पर मालकिन, मेरा कसूर क्या है? जबान मत लड़ाओ, बस चले जाओ यहाँ से। मालकिन, मैंने कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? एक पल के लिए भी इस घर में नजर आने की जरूरत नहीं है। आपका सामान आपके हाथों में है, दफा हो जाइए यहाँ से। विशाखा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कुछ नहीं दादी माँ, कुछ बदतमीज नौकर हैं जिन्हें घर से बाहर कर रही हूँ। बुढ़े हो गए, काम तो कुछ करते नहीं है।
इसका नाम माधव है। घर में सब लोग इसे माधव काका कहते हैं। और तुम होती कौन हो इसे निकालने वाली? मैं इस घर की छोटी बहू दादी माँ। माधव तुम अंदर जाओ। तुम इस घर की कुछ भी नहीं हो, समझी? बेहतर होगा कि ऐसी हरकतें दोबारा ना करो, वरना तुम्हारी हार होगी। पानी बिलाओ। हेलो। हाँ हाँ चौबे जी, राधे राधे। अच्छा कब क्या? धन्यवाद चौबे जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राधे राधे। क्या बात है माँ? बेटा मथुरा वाले चौबे जी का फोन था। वहां जो हमने धर्मशाला स्थापित की है उसका नाम अखबार में छप गया है। हाँ तो वो यात्रियों के लिए आज से खुलने वाला था, तो अखबार में तो नाम आया ही होगा। हाँ माँ जी, पर धर्मशाला का नाम छोटी बहू के नाम पर रखा गया है। हाँ माँ, यही तो तय हुआ था, फिर परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि धर्मशाला का नाम विशाखा राज पुरोहित धर्मशाला रखा गया है। धर्मशाला का नाम विशाखा राज पुरोहित धर्मशाला रखा गया है। विशाखा, ये क्या मजाक है? क्यों, कोई गलती हो गई दादी माँ? कल मथुरा से फोन आया था, वो लोग पूछ रहे थे कि धर्मशाला का नाम देना है तो छोटी बहू का नाम क्या है। मैंने उन्हें बता दिया विशाखा, विशाखा देवराज पुरोहित। आखिर मैं ही तो हूँ देव की पत्नी। तुम कोई भी नहीं हो, बार बार ये बात दोहराने से सच नहीं हो जाती। देव की पत्नी राधिका है और आज सारे समाज के सामने ये घोषित हो चुका है। अगर आज घूंघट में देव के साथ मैं बैठती और हम दोनों मिलकर यह करते तो आपको आज देव की पत्नी मुझे ही मानना पड़ता। बस इस मंगलसूत्र का ही तो फर्क है ना। कितनी देर लगती राधिका के गले से मंगलसूत्र निकालने में? अभी निकाल देती हूँ।